उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के SRKPG कॉलेज में इस वर्ष प्रवेश के लिए हुई काउंसलिंग में अधिकतर छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह गए, जिसका मुख्य कारण रहा कॉलेज में शिक्षा के प्रत्येक विभाग में सीटों का बहुत कम होना। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन छात्रों की ओर से मांग करता है कि जल्द से जल्द कॉलेज में शिक्षा के प्रत्येक विभाग में सीटों की 33% तक वृद्धि की जाए, जिससे प्रवेश से वंचित रह गए सभी छात्र प्रवेश ले सके एवं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जी, मेरा नाम शिवांश है, मैं जिला मीडिया संयोजक हूँ और आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिले के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि SRKPG कॉलेज में जो भी सीटों पर वृद्धि छात्र वंचित रह गए हैं एडमिशन के लिए, उनकी सीटों पर वृद्धि के लिए मांग रखी गई है। और विद्यार्थी परिषद, जैसे कि अभी दिव्य भारद्वाज जी ने बताया कि हम ज्ञापन पर अड़े रहेंगे और आवश्यक होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। अवनी यादव प्रांत से छात्र प्रमुख, किस तरह की मांगे और किस तरह का ज्ञापन दिया गया, किसको किस तरह का आश्वासन मिला? जी, हमारा कॉलेज में जो एडमिशन के लिए जो छात्र जो वंचित रह गए हैं तो उनके लिए सीटों की वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने 33% सीटों की वृद्धि करने के लिए बोला गया है और हमें प्राचार्य जी द्वारा और हमें आश्वासन भी दिया गया है कि वो भी मांग करेंगे। किस तरह का आश्वासन दिया आपको? जी, जितना भी इनसे हो सकेगा वो आगे बोलेंगे और सीटों में वृद्धि कराएंगे। किस तरह का ज्ञापन दिया गया और कब ज्ञापन दिया गया और क्या मांगे आपकी? हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हमारी मांग है, जो कि कई विद्यार्थियों ने हमें बताया है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीटें कम हैं, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, यह विद्यार्थी परिषद की मांग है। यह मांग हमारी तब तक रहेगी जब तक विद्यार्थी परिषद की मांग पर कोई कार्रवाई न की जाए। हमें हालांकि प्रचार द्वारा आश्वासन दिया गया है, मगर जब तक सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी विद्यार्थी परिषद अपने पत्र पर अड़ग रहेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगी। कौन कौन सी कक्षाओं में आप सीट वृद्धि चाहते हैं, कौन कौन सी कक्षाओं में सीट वृद्धि? किस तरह ज्ञापन दिया गया, किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन दिया गया और किस संस्था ने ज्ञापन दिया, आप क्या मांग है? ये ज्ञापन विद्यार्थी परिषद की तरफ से आया है और इनकी मांग यह है कि एडमिशन में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए। हमारे पास सीटें कम हैं और BA प्रथम वर्ष और BCom प्रथम वर्ष में आवेदन पत्र दोगुने से भी ज़्यादा आए हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जाएगा, जिससे कि इन छात्रों की समस्या का समाधान हो सके। कितनी सीटों की बढ़ोतरी की मांग है इनकी? नहीं, ये तो 33% सीटों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब इस पर कुलपति विश्वविद्यालय और शासन निर्णय लेगा कि वो सीट बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है और कितनी सीटें बढ़ाता है। आपके द्वारा किस तरह आश्वासन दिया गया? नहीं, हमने यह कहा है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, हम विश्वविद्यालय से आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए सीट वृद्धि के लिए पत्र लिखेंगे। हम यह नहीं लिख सकते कि कितनी सीटें बढ़ाई जाए, विश्वविद्यालय और साधन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस पर निर्णय लेगा।